अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें और समन्वय सेवा समिति की बात करें, दोनों ने मिलकर के आज 74वें स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया है। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन, सोच बदलो कुछ अच्छा ट्राई करो। जी क्या ले लेना, इनका ले लेना पहले, फिर मैं ले लूं। शर्मा जी, क्या शुभकामना, क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को मैं अपनी तरफ से, अपने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से शुभकामना देता हूँ। हमारा देश विविधताओं का देश है जी। हमारे देश में हर तरह के मौसम हैं, हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जलवायु है। हमारा देश सबसे ज़्यादा सुंदर देश इस विश्व में यदि कोई है तो मेरा देश भारत है, और मैं भारत की प्रगति के लिए, भारत के विकास के लिए, हम विश्वगुरु के पद पर पहुँचे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं लोगों से अपील करता हूँ कि स्वतंत्रता के मायने को समझें जी। हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया, सजाया संवारा है। हम इसको, अखंड भारत को आगे तक ले जाएं, हम अपने देश को अच्छे से संवारें। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता कभी नहीं होती जी। आज लोगों में कहीं ना कहीं स्वच्छंदता आती जा रही है, स्वतंत्रता के मायने को भूल रहे हैं। हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। प्रतंत्र देशों की, हम अपनी 47 से पहले की स्थिति को याद करें, अपने बच्चों को इस बात के लिए ज्ञान दें जी कि 47 से पहले हमारे देश के लोगों की हालत क्या थी। हमारे अपना कहीं कोई वजूद नहीं होता था, और यदि कहीं भी देख लीजिए राहुल जी, यदि कहीं कोई प्रतंत्र है, किसी की गुलामियत में है, तो उसकी अपनी निजी स्वेच्छाएँ कुछ नहीं चलती हैं। हमेशा जो मालिक होता है या जिसका राज होता है जी, वही उसके ऊपर शासन करता है। तो बहुत बड़ी कीमत देकर के हम लोग आज़ाद हुए हैं। हम अपनी आज़ादी को बरकरार करने के लिए आज लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा स्वदेशी अपनाओ। निश्चित तौर पर स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा यदि अपने देश को विकास की तरफ ले जाना है। आज तक हम कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को क्या सरल भाषा में क्या कहना चाहेंगे, स्वदेशी है क्या? नई पीढ़ी को नहीं पता अभी तो, नई पीढ़ी को शायद स्वतंत्रता के मायने भी नहीं पता है जी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में आंखें खोली हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, किंतु मैं जब पैदा हुआ बहुत लंबा समय नहीं था, और जो उस पीढ़ी के लोग थे वो हमारे माता पिता, हमारे पड़ोस के, हमारे गुरुजन जी, वो सब कहने में स्वतंत्रता इससे पहले की पैदाइश थी। आप एक टीचर भी हैं, सरल भाषा में स्वदेशी क्या कहेंगे जो आम जनता समझ पाए, आम नई पीढ़ी समझ पाए? स्वदेशी में हम अपने देश से बनी हुई वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश में निर्माण करें। जब तक हम अपने देश के लोगों को स्वदेशी की तरफ नहीं ले जाएंगे, हम अपने देश की चीज़ों को, अपने संसाधनों को हम नहीं अपनाएंगे। आज आपने देखा होगा ये घड़ी देखता है, हिंदुस्तान के अंदर भली घड़ी है, किंतु साथ में कहीं दिखाई दे जाए बोले कि ये मेड इन जापान है, मेड इन जापान या मेड इन चाइना है, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी। किंतु अपने देश तो कुल मिला के विदेशी सामान का बहिष्कार करें, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं भारतवासियों को, सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या शुभकामना देंगे? सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को इस पवित्र दिन इसलिए जी क्योंकि स्वतंत्रता का सम्मान वही कर सकता है जिसने प्रतंत्रता देखी हो, तो ये बहुत बड़ा दिन हम लोगों के लिए है। दूसरा, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि स्वदेशी, आप ये समझिए, अगर हम खुद अपना अनाज नहीं उगाएंगे जी और सिर्फ खाएंगे, हमारी जनरेशन जो आज की है वो ये नहीं जानती है कि कौन सा अनाज कहाँ होता है, वो पेड़ पे उगता है या जमीन के अंदर होता है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, उसका कारण एक ही है कि हम लोगों ने अपनी चीज़ों को उगाना, अपने हाथों से चीज़ों को बनाना बंद कर दिया। हमारे यहाँ पर बाहर की कंपनियाँ आई, उन्होंने हमें घर बैठे चीज़ें देना शुरू किया जी। और उस पूरे षड्यंत्र की वजह से हमारा देश दूसरी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के हाथों में गुलाम होता चला गया जी। तो आज वो दिन आ गया है जब हम अपने घरों से बाहर निकले, अपने ज़मीनों की तरफ जाएं, किसानों को उनका सम्मान बढ़ाएं,
उनको उनके अंदर एक ऐसी जागृति लाएं कि भाई हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और हम भी तुम्हारा साथ देंगे। जी जी। आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बीटेक लोग, एमबीबीएस लोग खेती की तरफ जा रहे हैं। जी। क्यों जा रहे हैं? वो भी स्वदेशी का ही एक दूसरा रूप, एक पार्ट है, एक दूसरा रूप है। जी। अब भारत कृषि प्रधान देश रहा है। जी। आप देखिए कि हमें कभी किसी चीज़ कहीं से भारत से कोई चीज़ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी। मगर आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम दूसरे देशों पर निर्भर होने की कहीं ना कहीं कल्पना आती है। बिल्कुल। तो जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर, जबकि आत्मनिर्भर तो है ही है कि कच्चा सामान हमारे यहाँ से बाहर की हो जाए और वो बन के फिर वापस आए। वापस तो आए। हम कच्चा सामान भी यहाँ रखेंगे, हम अनाज भी यहाँ उगाएंगे, हम यहाँ पर ही चीज़ों को तैयार करेंगे और आपस में बैठ कर चार भाई, पाँच भाई, अपनी सारी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बहुत खूब, क्या शुभकामना। मेरी समस्त ब्राह्मण समाज और समस्त अपनी प्रजा से, अपने समाज से निवेदन है कि इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को केवल एक पर्व न समझ के इसको अपने निजी जीवन में भी इसका उपयोग करें और इसकी मानवता और इसकी जितनी भी इसके गुण हैं उनको लें वो, और इनको ये केवल एक ऐसा ही नहीं है कि ये हम स्वतंत्रता दिवस ही मना रहे हैं, इसके सही मायने में जब ये हमारे बड़े भाई ने बताया कि भाई ये इसको हमें उतारना भी है, जैसे स्वतंत्रता एक ऐसी वो बना दी गई है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रख सकें लेकिन उसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, जैसा कि अभी पिछले दिनों में हुआ है, बहुत सारे कांड हुए हैं वो अभिव्यक्ति की ज़्यादा उनको स्वतंत्रता मिलने के कारण ही हुआ है। कुछ मर्यादाएँ भी बनी रहनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहूँगा कि लगेंगे हर वर्ष मेले शहीदों की चिताओं पर, वतन पर मिटने वालों का बस एक ही निशा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों को और देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे स्वदेशी की बात चल रही है, जी, स्वदेशी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इंस्पेक्टर राज को भी ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं व्यापार करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ एक प्रोडक्शन के लिए चार जगह हमें जो है ना रिश्वत देनी होती है। बिजली यहाँ पे महंगी है, यहाँ पे बिजली भी नहीं होती तो हमें जनरेटर से बिजली करनी होती है, जो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। वो प्रोडक्ट एक रुपये की प्रोडक्ट वो तीन रुपये का हो जाता है। बिल्कुल ठीक। विदेशों में व्यापारी वर्ग को, व्यापारी वर्ग को जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे बहुत तरह की सब्सिडी दी जाती है, बहुत उनको फ़ायदा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे एक बिजली हमें व्यापारी खुद पैदा करेगा, जनरेटर से पैदा करेगा, यहाँ पे जो है ना रिश्वत देगा, यहाँ पे महंगा माल खरीदेगा। कुल मिला के दूध क्या नाम है, कथनी और करनी में फर्क है, आता है वो आम आदमी के अप्रोच से बाहर हो जाता है। अब चाइना का ले लो, चाइना का माल लोग क्यों खरीदते हैं? चाइना का माल इसलिए खरीदते हैं कि वो सस्ता होता है, सस्ता यहाँ भी बन सकता है, पर गवर्नमेंट को पॉलिसी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, एक इंस्पेक्टर राज खत्म करना पड़ेगा और बहुत तरह की सब्सिडी व्यापारी को देनी पड़ेगी। ये लंबा टॉपिक है, आज का दिन नहीं है, लेकिन एक जो बुलंद आवाज में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।